हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं लजीज सा पनीर लाहौरी। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड, यहाँ हम एक पैन लेंगे, इसको हीट कर लेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। थोड़ा हेल्दी वर्जन करने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और अब इसको गरम जैसे ही हो जाएगा, इसमें मैं पनीर के पीसेस को फ्राई करूँगी। आप कोई भी शेप में आप पीसेस को कट कर सकते हैं। मैंने कुछ ट्रायंगल और कुछ स्क्वायर लिए हैं और इनको हमको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाते हैं। बस हल्का हल्का सा गोल्डन आ जाए कलर और हटा लेंगे। अब हम उसी पैन के अंदर उसी तेल में रफली चॉप अनियंस, एक टुकड़ा जिंजर और उसके बाद कुछ लहसुन की कलियां, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च, सब रफली चॉप है, इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। और यहाँ काजू डाल देंगे, मेरे पास काजू नहीं था तो मैंने बादाम डाल दिए हैं। और यहाँ तेज़पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सबको डाल के हम अच्छी तरह इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और सबको हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तेज़ पत्ते को हम निकाल देंगे और उसी पैन में हम 3-4 चम्मच तेल डाल के बारीक कटी हुई एक प्याज डाल देंगे और कुछ हरी मिर्चें और जिंजर जूलियंस, सबको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक अरोमा ना जाए। और जो पेस्ट हमने बनाया था उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इसको भी अच्छे से मैं कुक कर लूँगी। अब इतना कुक करेंगे जब तक तेल सरफेस पे ना आ जाए। देखिए तेल छूटने लग गया, तो अब मैं दही डाल दूँगी। दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। और चलाते हुए दही को भी हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम दही को और पानी को सबको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ मैं धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक, सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। और उसको भी मैं मसाले में मिक्स कर दूंगी और ढक्कन लगा के अच्छी तरह सबको कुक कर देंगे। अब देखिए हमारा मसाला भुन गया है, कितना अच्छा कलर आ गया है। अब देखिए अच्छे से कलर छूट गया है इसके अंदर। यहाँ हम नमक मिर्च सब चेक कर लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ पनीर मैंने ऐड कर दिया है और कुछ कसूरी मेथी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है हाथ से रगड़ के। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ग्रेटेड पनीर ऐड करिए, नहीं तो नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। अब देखें यहाँ आप अपने ग्रेवी जितनी थिक रखनी है आप उतनी कर लीजिए, उसकी थिकनेस चेक कर लीजिए। और उसके बाद जब अब हम इसके अंदर, ये देखिए ग्रेवी मेरी अच्छे से थिक हो गई है। अब थोड़ा मुझे गाढ़ी लग रही थी तो मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसी में मैंने पनीर के पीसेस जो फ्राई कर रखे थे वो ऐड कर दिए हैं और उसको 1 मिनट के करीब ढक्कन लगा के अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखिए अब अच्छे से पकने के बाद, ये देखिए हमारा पनीर लाहौरी तैयार हो गया है। आप इसे रोटी या लच्छा पराठे से एंजॉय करिए। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।